एक बार कहा है तुम्हें समझ नहीं आता, तुम इस घर में नहीं आ सकते। इसे मैंने बुलाया हमजा, पीछे हटो। तुम कहाँ जा रहे हो हमजा? तुम्हारे घर की लड़की एक गैर मर्द के आगे खड़ी है, या फिर तुम्हारी छुरी सिर्फ अपनी बीवी की इज्जत के लिए उठती है? ये ना समझना कि मैं तुम्हें इससे लड़ाई करने पे उकसा रही हूँ। समीन प्लीज, मुझे बोलने का मौका दो, मैं हर चीज की वजाहत। पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ ये सब कुछ, एक दफा पहले भी हाला मेरी खुशियों पे, मेरे ख्वाबों पे पैर रख चुकी है, लेकिन इस बार तो उसने मेरी इज्जत नफ्स की धज्जियां उड़ा दी। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तुम बताओ हमजा खता क्या है मेरी? समीन प्लीज, मैं तुम्हें सफाई देने के लिए आया हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कर। तुम कौन सा खेल खेलने आए मेरे साथ? अगर ताई जानना बताती तो हाला ने तो जिंदगी भर अपना मुंह नहीं खोलना था, और मैं सारी जिंदगी एक धोखे में रहती रहती तुम्हारे साथ। वैसे बाय द वे, तुम्हारा और हाला का प्लान क्या था? बताओ, अब पूछा जा रहा है तो बताओ ना। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, हाला का इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं था। वाह, देखो हमजा, ये अभी भी अपनी साहब का महबूबा को डिफेंड कर रहा है। ओ सॉरी सॉरी, साहब का कह दिया, गलत कह दिया ना, क्योंकि साहब का तो वो कभी हो ही नहीं। सही कह रही हूँ ना मैं? तुम बार बार हाला को बीच में क्यों लाती हो सुनो? तुम्हें गैरत आई होगी, लेकिन हाला का जिक्र किए बगैर ये किस्सा अधूरा है हमजा, भूल गए तुम? इन दोनों की कितनी अच्छी बॉन्डिंग, जब हाला से पूछा गया कि वो खुरम को कैसे जानती है, तो इसने हाला को जवाब देने की जहमत ही नहीं की, खुद ही आगे आ गया और बोला कि जानता ही नहीं, पहले कभी मिले ही नहीं, ये बॉन्डिंग है दोनों की। समीर, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो फिर कैसा है खुरम? तुम किस प्लानिंग के तहत मेरी जिंदगी में आए थे बताओ? एक सेकंड समीर, यहाँ पर तुम गलत हो, मैंने कोई मंसूबा नहीं बनाया था, मैंने सिर्फ एक लड़की को गुंडों से बचाया था, और वो गुंडे मेरे भेजे हुए नहीं थे। शायद उस शख्स का तुमसे कोई जाती ताल्लुक था। मेरा नहीं, वो भी तुम्हारी तरह इनकी बीवी का पुराना आशिक था। समीन, तुम बार बार क्यों ला रही हो हाला को बीच में? हाला बीच में है, तभी तो ये अदालत लगी है, और मैं यहाँ मुजरिम दुहाइयां दे रहा हूँ। और हमजा, रहे तुम तो तुम्हारा किरदार सिर्फ ऑडियंस का है और कुछ नहीं, बस। यहाँ मेरी बीवी की बात हो रही है सर, मैं सिर्फ तमाशबीन बनकर खड़ा नहीं हो सकता। हाँ, तुम्हें तो चाहिए एक फिल्मी बड़क मार कर इन दोनों को शूट कर दो, रंगे हाथों जो पकड़ा था इन्हें, है ना? ऐसा कुछ नहीं है समीन, ये सब कुछ तुम्हारी ताई जान की कारिस्तानी थी, वो एक तीर से दो शिकार करना चाहती थी कि हाला हमजा की जिंदगी से निकल जाए और तुम मेरी जिंदगी से निकल जाए। समीन, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत ज्यादा गलतियां हुई हैं, पर मेरा अल्लाह जानता है, मैं हमेशा से तुमसे मुखलिस था और हूँ। So, अगर आप लोग अपडेटेड रहना चाहते हैं हमारी लर्न नहीं जाऊंगा की प्रमोशंस और रिलीज और फिल्म के गाने और इन सबसे रिलेटेड आप जानना चाहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, उसके लिए फॉलो द यूट्यूब पेज ऑफ ARY डिजिटल एंड यू विल फाइंड अस देयर विद ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड।